गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज आपकी LEP इंग्लिश में हम लेसन, जो आपने स्टोरी पढ़ी थी बिल्लू रैबिट वाली, कौन सी, बिल्लू रैबिट रन्स अ रेस अगेन, इसमें हम आगे वर्कशीट 3 करेंगे। इसमें देखिए बेटा, बिल्लू ने अपनी गेम खेली, आप भी गेम खेलते हो ना, तो अलग अलग गेम्स दिखाई हुई हैं, इनके नाम लिखने हमने पहचानना है और इसके नाम लिखने। ये देखो, ये कौन सी गेम लग रही है आपको, ये है खो खो। कौन सी गेम है, खो खो, खो खो, ठीक है। आगे देखिए, ये क्या है, ये देखिए, हाँ जी, ये है कबड्डी। कौन सी गेम है, कबड्डी, तो यहाँ हम लिख देंगे कबड्डी। आगे देखिए, ये है क्रिकेट, ये तो सभी को पता होएगा, है ना, इसके मैच तो टीवी पे आते ही रहते हैं, क्रिकेट। और ये देखिए, ये है वॉलीबॉल। कौन सी गेम है, वॉलीबॉल, ये हम यहाँ लिख देंगे। तो ये 4 गेम्स थी वर्कशीट 3 में, इनके नाम हमने पहचान कर लिख दिए हैं। आगे देखिए, आगे है वर्कशीट 4, मैच वर्ड्स विद देयर ऑपोजिट मीनिंग्स। विन विन यानी जीतना, और लॉस लॉस यानी हारना, तो इसका ये होएगा, ठीक है। जैसे ये 1 है तो ये 1, ठीक है। फिर है स्टार्ट, स्टार्ट यानी शुरू करना, और स्टॉप स्टॉप यानी ख़त्म करना, तो ये 2nd है, इसका आंसर, इसका ऑपोजिट वर्ड स्टॉप होएगा। नेक्स्ट देखिए, स्टैंड, स्टैंड यानी खड़े होना, ठीक है, तो इसका ऑपोजिट सिट, सिट यानी बैठना, ठीक है, तो इसका ऑपोजिट ये होएगा। आगे है कंटिन्यू, यानी एक चीज़ को लगातार करते रहना, जैसे उसने कंटिन्यू रखी टॉर्टॉइस ने अपनी रेस जो थी, और रैबिट ने डिसकंटिन्यू कर दी थी, है ना। तो ये 2 एक्सरसाइजेस आप अपनी कॉपी LEP इंग्लिश की कॉपी में करिए।